डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। हमने आज हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आज यहां से, और ये आपके 13.3 है। तो हमने आपका चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 को और 13.1 और 13.2 ये फ्रिश कर दिया है, और अब हम 13.3 पे बात करेंगे। और उसमें भी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप 13.1 और 13.2 को ध्यान से और दोबारा से उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको अब ये समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए वेक्टर क्रॉस आ गया यहां पर, इस चीज का ध्यान रखना। बी वेक्टर, देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस आता है, और इसको दूसरा नाम जिसका क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, अब ध्यान देना। देखिए, ये थीटा है, उसकी वैल्यू 0 से π के बीच में रहने वाली है। तो एक बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ये आपका मान लो ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मैं इधर बना देता हूं, तो समझिए ध्यान से। देखिए, गौर करना, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी ऐसे होगा, यहां पे ये ए क्रॉस बी, अब मेरे को तो बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, बाकी ये होगा ऐसे। और वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। हो गया होगा डाउट क्लियर। अब भाई, ये बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, तो मुझे ए क्रॉस बी यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी ये इसके इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस बोर्ड के अंदर भी हो सकता है। मतलब जैसे ये है, इसमें आप इस वाली फिंगर को ए वेक्टर बोलो, इसको बी वेक्टर बोल दो, तो ये ए क्रॉस बी कुछ यूं रहेगा, या फिर ए क्रॉस बी नीचे भी तो आ सकता है ना। मतलब कहने का ये है कि ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लर्न रखना है। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंड थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to π। कंप्लीट। उसके बाद देखिए आगे, आगे ध्यान देना, इसको मैं हटा देता हूं ना। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए, ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब समझो, देखिए ए क्रॉस बी है, ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता। जबकि जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इस एन कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ गए, ये एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये केवल परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब उसके बाद देखना ध्यान से, देखो आपको जैसे पढ़ाया वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको मैं नोट्स सेंड कर ही दूंगा, तो आप यहां पर केवल समझने पे फोकस करिएगा।
अब देखो इसमें मॉडुलस ले लो बोथ साइड्स, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। उसके बाद देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो इसके मैग्नीट्यूड लगाने का क्या नीड है, जिस प्रकार से आप ही बोल सकते हो कोरोना का टाइम है तो एक मास्क पहन लिया तो उसके ऊपर मास्क पहनने की क्या जरूरत है, वही कि सब मैग्नीट्यूड पहले से ही है पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड तो उसके ऊपर मॉडुलस लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो इसको आप बाहर निकाल लो, बी के मैग्नीट्यूड को भी बाहर निकाल लो, और जो साइन थीटा है वो जीरो से साइन थीटा में जो थीटा है वो जीरो से पाई में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और जीरो से थीटा जीरो से पाई के बीच में साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसे भी बाहर निकाल लो और आपके पास बचा क्या, सिर्फ एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्योंकि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और आप ये भी बोल सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके भी क्या है परपेंडिकुलर क्या होगा, एन कैप। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वन, तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी, और उसके बाद ध्यान देना ए बी और उसके आगे क्या आएगा साइन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है वन। तो यहां से आपको एक बात और अच्छे से क्लियर हो गई होगी, देखे ना अभी ध्यान देना, जो साइन थीटा है देखो जो साइन थीटा है वो क्या आया ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि काफी दिनों में आप वेक्टर पढ़ रहे हो और वो भी चैप्टर के बीच में पढ़ रहे हो, तो 13.1 और 2 को अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं आए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, उसके बाद एन कैप इक्वल टू क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, उसके बाद देखो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी, उसके बाद देखो देखो ये चीज क्या है आपके पास मॉडुलस में ए क्रॉस बी है यही है ना, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसा बताया था कि ये एन कैप है वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है किसके ए और बी के, तो वो ए और बी के इसके अपवर्ड भी हो सकता है और इसके डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस लगा। देखिए प्लस माइनस जस्ट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ एन कैप कि ये इस ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, जैसे जिस प्रकार से आपको पता होगा कि जो सीबीएसई में आपके जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया है, तो अपने 13.4 और 13.5 को मैं जब आरबीएससी के सिलेबस में थोड़ा रिमूव होगा 40% उसके बाद मैं उसको कराऊंगा, अभी मैं आपको 13.3 तक क्लियर करूंगा, क्योंकि 13.3 तक क्लियर कर दिया तो कम से कम हम एनसीईआरटी के इक्वल हो जाएंगे, और जैसे 13.3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के क्या होगा जीरो, इसके कैप लगा सकते हो, मेरी क्या हैबिट नहीं है क्रॉस लगाने की, कैप लगाने की, आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद ये चीज आपने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा आई जे और के एक साइक्लिक ऑर्डर है, तो आपको ये तो पता ही होगा आई क्रॉस जे क्या होता है के, इनके सबके कैप आएगा, मैं लगा नहीं रहा हूं लेकिन है ना, जे क्रॉस के क्या होगा जे जे के क्या होगा आई, और ऐसे ही
के क्रॉस आई क्या होगा जे। तो एक बात और याद रखना, ये कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, तो बी क्रॉस ए होता है। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो ए क्रॉस बी कन्वर्ट इन बी क्रॉस ए, और उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। क्लियर, यहां तक आपको मैं मान के चलता हूं समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखो, आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।